सभी का एक बार फिर स्वागत है एसपीएन 9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। बात करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया की। जब वह बीजेपी में आए तो 22 विधायकों को भी साथ ले आए। उपचुनाव की बारी है, उन्हें स्टार प्रचारक के रूप में वहां रखा गया है, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। यह बड़ी उपलब्धि है एक पार्टी में इस तरह का सम्मान मिलना, लेकिन इससे बड़े बड़े सम्मान तो उन्हें कांग्रेस में भी मिल रहे थे। इस तरह के सम्मान वह वहां भी प्राप्त कर पा रहे थे, वह स्टार प्रचारक के रूप में भी होते थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब बीजेपी में आते हैं तो उनके समर्थकों का भी यही कहना है कि उन्हें कम से कम केंद्रीय मंत्री का पद तो मिल जाए, कोई बड़ा पद तो मिलना चाहिए। लेकिन बिल्कुल नहीं, मैं इससे बिल्कुल खुश नहीं रहूंगा। कम से कम मुझे लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद मिलना चाहिए, पहले वह पार्टी को संभालें, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता था उन्हें कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद मिले या फिर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद पर आसीन कर दिए जाते जब सत्ता आती है। तो यहाँ पर अब आप मुख्यमंत्री भी नहीं बनाए गए, अब आप स्टार प्रचारक बना दिए गए हैं, तो यह बात बिल्कुल नहीं चलेगी। आपने पार्टी बदलने को लेकर अपने वंश को गाली पड़वाई है। प्रेमचंद गुड्डू ने उनके DNA को गद्दार कहा था, यह बात बिल्कुल भूलने लायक नहीं है। कांग्रेस से दामन का उसका दामन छोड़ने के बाद, उससे रिश्ता तोड़ने के बाद भी आपको लगातार उसके नेता महाराज कहकर ही पुकार रहे हैं, आपकी निंदा नहीं कर रहे हैं। जीतू पटवारी की बात अलग कर दी जाए तो उसके बाद मुझे लगता है कि आप भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं और आपको बड़ा पद मिलेगा। और आपके आने से सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में भी एक छोटी टूट फूट हो गई है। बड़े ही उसका कोई बड़ा परिणाम सामने ना आए दुखद, लेकिन जो पुराने नेता थे अब उनके मंत्री पद कट रहे हैं, क्योंकि 22 विधायक तो आप लेकर के आए हैं। तो ये तय हो जाएगा आने वाले समय में कि वह 22 सीटें कांग्रेस के नाम थी या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम थी। आपको क्या लगता है उन 22 सीटों में क्या होने वाला है? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनकी जो दल बदला है उन्होंने उसका इनाम मिलेगा? उसका इनाम उन्हें किस रूप में मिलना चाहिए? मैंने तो बता दिया, कम से कम राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए। आपको क्या लगता है? आपकी राय महत्वपूर्ण है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।